हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गुल्लू सानू किचन। आज हम बनाएंगे जुकीनी का बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रायता। ये जुकीनी हमारे खीरे जैसी ही होती है, पर ये थोड़ा खीरे से डिफरेंट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 जुकीनी ली थी और इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा दही, एंड इसको रायता को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हींग, कड़ी पत्ता, राई, चना दाल, उड़द दाल एंड जीरा। सॉल्ट में मैंने लिया है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड ये वाइट सॉल्ट, और मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया एंड ग्रीन चिली। तो रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गैस में एक पैन रखेंगे एंड इसको रायता को हम तड़का लगा। अब मैंने गैस में एक पैन रख दिया है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और इसमें डालेंगे ये राई, अब इसमें डाल देंगे चना दाल एंड ये उड़द दाल। चना दाल एंड उड़द दाल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है रायता में। जीरा, और जब ये राई चटने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे ये ग्रीन चिली। अब ये तड़का रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कद्दूकस की हुई जुकीनी। अब जुकीनी को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बिकॉज इसमें वाटर निकलता है। जब तक इसका वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। हम इसमें डाल देंगे, अब मैंने इसमें डाला है 1 छोटी चम्मच सॉल्ट। ये वाइट सॉल्ट है, बिकॉज हमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। और यहाँ पर डालेंगे ये 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड दही को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रायता बहुत ही जल्दी बन जाता है एंड बहुत ही हेल्दी होता है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। देखते हैं, अभी जुकीनी का बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रायता बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आप ये रायता राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम रायता को एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। इसमें धनिया पत्ता इसे गार्निश कर देंगे। अभी जुकीनी का बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रायता बनकर रेडी है। आप भी बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।